गुड मॉर्निंग ऑल द बॉयज, क्लास सिक्स हिंदी मीडियम। आई एम इरफान सर स्पीकिंग फ्रॉम आर के स्कूल। ऑल ऑफ बी अलर्ट, योर सिलेबस इज गोइंग ऑन कंटिन्यू। फर्स्ट लेसन आपका समाप्त हो चुका है, दूसरा लेसन चल रहा है। द फर्स्ट स्नो स्टॉर्म, पहला बर्फीला तूफान। देखिए आपकी बुक में मीनिंग है, वर्ड ऐड है, तो पहला काम ये करें आप वर्ड ऐड अवश्य कर लें। वर्ड ऐड है, वर्ड ऐड अवश्य करें। दूसरी वन पेज राइटिंग कर लिखना मत ना भूलें। वन पेज राइटिंग मस्ट है। तीसरा है वर्ड मीनिंग लर्न अवश्य करें। वर्ड मीनिंग लर्न अवश्य करें। और चौथा है डेज एंड मंथ नेम आप अपनी कॉपी में लिख लें। डेज एंड मंथ नेम राइट। ये है आपका HW। अब आप पढ़ लीजिए। द फर्स्ट स्नो स्टॉर, लिटिल हनी वाज बॉर्न ऑन ए वार्म सनी आइलैंड वेयर फ्लावर्स ब्लूम ऑल द ईयर राउंड द सन शोन मोस्ट ऑफ द टाइम। छोटी हनी जो है एक गर्म द्वीप समूह में उसका जन्म हुआ था। छोटी हनी का गर्मजू समूह में जन्म हुआ था जहाँ पे साल भर फूल खिला करते थे। द सन शोन मोस्ट ऑफ दिस टाइम, पूरे समय तक सूर्य चमकता रहता था। व्हेन हनी वाज सिक्स इयर्स ओल्ड, जब हनी छः वर्ष की थी, हर पेरेंट टू कजन ने टू न्यूयॉर्क, तो उसके माता पिता ने न्यूयॉर्क की यात्रा की। इट सीम वेरी हार्ड टू द लिटिल बॉय, उस छोटी लड़की को वहाँ पहुँच कर देखने में अजीब सा लग रहा था। लिव इन अ प्लेस, क्योंकि वो जहाँ रहती थी, वेयर देयर वेयर सो मैनी पीपल, वहाँ बहुत से लोग रहते थे, एंड सच ग्रेट हाउसेस, और बड़े बड़े मकान थे। आफ्टर अ व्हाइल द वेदर ग्रू कोल्ड, कुल मिलाकर के कुछ दिनों बाद मौसम बहुत ठंडा हो गया। एंड ही हैड टू वेयर थिक वूलन क्लॉथिंग, और उसे गर्म ऊनी कपड़े पहनने पड़े। द हाउस वेयर दे लिव्ड वाज हीटेड बाय ए फ्रेंड्स, और उस घर में जहाँ वो रहते थे उसमें एक अंगेठी रखनी पड़ी। वन डे दे हैड अ फायर ऑफ लॉग्स ऑन द हर्थ, एक दिन जब अंगेठी में लकड़ी का एक गट्टा जल रहा था, हनी एंजॉयड इट वेरी मच, तो हनी इस लकड़ी के गट्टे से खेलने लगी। एंड थॉट द ब्राइट ब्लेस टू ब्रेटी, और वो सोच रही थी इस लकड़ी की आग की जो चमक है बहुत सुंदर होती है। वन आफ्टरनून द स्काई वाज क्लाउडी, एक दोपहर के बाद आकाश में बादल छा गए थे। एंड हनी हैड बीन स्टैंडिंग बाय द विंडो वाचिंग द स्ट्रीट कार, और हनी जो है खिड़की के पास खड़ी होकर के सड़क पर जाती हुई कारों को देख रही थी। सडनली द एयर ग्रू थिक, एकाएक हवाएं तेज चलने लगी। एंड कुड नॉट सी द हाउसेस इन द अपोजिट लेन, और दूसरे लेन में के और उसके घर के दूसरे साइड पे घर नहीं दिखाई दे रहे थे। समथिंग वाइट एंड फिदरिंग फ्यू स्लोली डाउन ऑन द विंडोज, और कोई सफ़ेद चीज, पंखों की तरह सफ़ेद चीज, शीशे के विंडो खिड़की के पास से गिरती हुई दिख रही थी। अचानक हवा बढ़ गई, सामने के सड़क के घरों को देख नहीं पा रहा था रहा। कुछ सफ़ेद पंख जैसे धीरे से नीचे खिड़की किनारे गिरा, खिड़की के एज मीन किनारा होता है, कोई सफ़ेद चीज पंखों जैसी खिड़की किनारे पर गिरी। देन इट डिसअपीयर्ड, उसके बाद वो गायब हो गई। बट मोर एंड मोर ऑफ द लिटिल फ्लैक्स केम अंटिल देयर वाज क्वाइट अ रिच आउटसाइड ऑफ द विंडो। लेकिन छोटे बर्फ के टुकड़े, बट
मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा फ्लैग माने बर्फ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बर्फ के टुकड़े आने लगे जब तक कि खिड़की के बाहर एक टीला सा नहीं बन गया। रीच आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर, रीच माने टीला। हनी ओपन दी सास जेंटली फेयरिंग इट माइट फ्लाई अवे। हनी ने खिड़की आराम से खोला डरते हुए। हनी ओपन दी सास, हनी ने दरवाजा खोला ये डरते हुए कहीं वो उड़ ना जाए। He was surprised when he touched it to find it so cold. लेकिन जब उसने खिड़की को टच किया तो उसे बहुत ठंडी लगी। He took it up in his hand. उसने उस पर अपना हाथ रखा। But in a moment it was only a drop of water. लेकिन थोड़ी एक ही क्षण में वो पानी के बूंद में बदल गई। इसी के साथ ये पेज नंबर 5 आपका समाप्त हुआ। जो रेस्ट है उसको नेक्स्ट टाइम मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इसी के साथ मैं आपसे कहूँगा कि होमवर्क अवश्य करके आएँ, और ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसका पूरा बेनिफिट उठाएं, फ़ायदा उठाएं, और आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, किताब कापियाँ अवश्य दिला दें, शेयर करना ना भूलें, होमवर्क भी करते रहें। हो सकता है कि हम आपके घर पर पहुँचें अगर ज़्यादा कोरोना का प्रकोप नहीं होता है तो। इसी के साथ दैट्स ऑल, थैंक यू।